उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में गुरु और शिष्य के रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल तीसरी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ उसके ही टीचर ने अश्लील हरकत की। शिक्षक की हरकत से परेशान छात्रा ने स्कूल आना बंद कर दिया और डिप्रेशन में आकर बीमार रहने लगी। परिजनों ने छात्रा से स्कूल न जाने का कारण पूछा तो सभी दंग रह गए। परिजनों की शिकायत के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच में दोषी पाए गए शिक्षक को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि तीसरी क्लास में पढ़ने वाली छात्रा रोजाना स्कूल आती थी। इस दौरान स्कूल में तैनात उसके टीचर अजीत कुमार चौरसिया उसके साथ अश्लील हरकत करता था, जिसकी वजह से छात्रा ने स्कूल आना बंद कर दिया और डिप्रेशन में आकर बीमार पड़ गई। जिसके बाद छात्रा की मां ने इसकी लिखित शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में की। इसके बाद बीएसई के आदेश पर खंड शिक्षा अधिकारी संडीला ने पूरे प्रकरण में कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया। जनपद के संडीला ब्लॉक में एक प्राइमरी स्कूल है जयसुखेड़ा, उसमें एक प्रकरण संज्ञान में आया था कि वहाँ एक अध्यापक है अजीत चौरसिया, उनके द्वारा एक बच्ची से बैड टच का मामला संज्ञान में आया था, जिसकी जांच हमने खंड शिक्षा अधिकारी संडीला सीमी निगार से कराई और जांच में ये पाया गया कि प्रथम दृष्टया ये प्रकरण सही पाया गया, तो तत्काल प्रभाव से उनको मैंने निलंबित कर दिया है। निलंबित करके शाहबाद बीआरसी पर उनको अटैच कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ जांच करा करती है। फिलहाल खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में तथ्य सही पाए गए, जिसके बाद टीचर अजीत कुमार चौरसिया के छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी पाए जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संबंध किया है, साथ ही विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।